अध्याय 9 औद्योगिक क्रांति और सामाजिक बदलाव सन 1750 से 1900। बच्चों, छत्तीसगढ़ राज्य में कई उद्योग हैं जिन्हें आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा। इन कारखानों में आपसे परिचित आपके रिश्तेदार काम भी करते होंगे। क्या आपको मालूम है छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? क्यों, कभी सोचा? इसलिए क्योंकि यहाँ पर धान की उपज अधिक मात्रा में होती है। देखिए कैसे महिलाएं खेत में काम कर रही हैं, धान की रोपाई कर रही हैं। इस धान से चावल निकालने के लिए कई सारी मिले हैं। धमतरी, कुरुद, नवापारा राजिम, महासमुंद, तिल्दा, इन सभी जगहों पर धान से चावल निकाला जाता है। तो बच्चों, छत्तीसगढ़ ना केवल धान के कटोरे के नाम से विख्यात है, बल्कि कोसा वस्त्र के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। कोसा वस्त्र का उत्पादन जांजगीर चांपा और बस्तर जिले में होता है। क्या आप जानते हैं कि कोसा वस्त्र कैसे बनता है? सबसे पहले ककून से रेशम लिया जाता है, फिर रेशम से धागा बनता है और धागे से कोसा का कपड़ा बनाया जाता है। देखते हैं कैसे पारंपरिक तरीकों से कोसा का कपड़ा बनाया जा रहा है। तो बच्चों, अभी तक हम छत्तीसगढ़ के धान और कोसा वस्त्र के उत्पादन के बारे में बात कर रहे थे, तो आइए अब हम यहाँ के प्रमुख उद्योगों के बारे में बात करते हैं। भिलाई स्टील प्लांट, इसके बारे में तो आपने सुना होगा। भिलाई स्टील प्लांट में लोहा इस्पात का निर्माण होता है। भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में रशिया के सहयोग से लगाया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। देखिए कैसे इस्पात का निर्माण किया जा रहा है, जिसे विदेशों में भी भेजा जाता है। चलिए बच्चों, अब हम आपको ले चलते हैं कोरबा, जहाँ संयंत्र में अयस्क से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। देखिए कैसे अयस्क से एल्यूमिनियम बनाया जा रहा है। अभी हम बलौदा बाज़ार ज़िले के सीमेंट फैक्ट्री में हैं। बलौदा बाज़ार में कई सीमेंट फैक्ट्रीज हैं। देखिए कैसे सीमेंट का निर्माण हो रहा है। पिछले कुछ दशकों से छत्तीसगढ़ में नए नए कारखाने आ रहे हैं और गांव से लोग आजीविका के लिए खेती छोड़कर इन कारखानों में काम करने आ रहे हैं। बाज़ार में भी कारखानों में निर्मित वस्तुएं भरमार देख सकते हैं। कारखाने लगने, कृषि से कारखानों में जाना और औद्योगिक उत्पादनों को अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने को ही औद्योगिकरण कहते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में औद्योगिक क्रांति और उसके परिणाम स्वरूप सामाजिक बदलाव के बारे में हम अध्ययन करेंगे।